Hello everyone, welcome back to our channel Learn and Grow Better. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. अब बकल कैविटी में टीथ के साथ साथ जो टंग होती है जिसे हम जीभ बोलते हैं वो भी हेल्प करती है डाइजेशन प्रोसेस में, क्योंकि टंग जो है वो क्या करती है, हमारे फूड कंपोनेंट को सलाइवा के साथ मिक्स करती है और उसे सॉफ्ट बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉलस बोलते हैं, ताकि हम अच्छे से उसे स्वेलो कर पाएँ. अब बेसिकली क्या हमारी जो टंग है वो सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. टंग जो है डाइजेशन में ही नहीं बल्कि बहुत सारे अदर फंक्शन भी हैं टंग के, जिसमें टंग जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पर क्या वो फंक्शन हम जानते हैं? अगर नहीं जानते तो जल्दी से आइए मेरे साथ वीडियो में, अच्छे से समझिए कि टंग के और अदर फंक्शंस क्या होते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज फ्रॉम चैप्टर 2, बेसिकली न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स का सब टॉपिक फंक्शन ऑफ टंग. सो जो टंग होती है वो हमारा फ्लैशी सा मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि कहाँ होता है, माउथ यानी कि बकल कैविटी में अटैच होता है, एट दी बैक टू दी फ्लोर ऑफ दी बकल कैविटी. बेसिकली हमारी बकल कैविटी का जो फ्लोर होता है वहाँ पर बैक साइड से अटैच्ड होता है एक मस्कुलर ऑर्गन, जिसे हम क्या बोलते हैं, टंग बोलते हैं. अब ये जो टंग होती है इसके फंक्शंस क्या है, ये पहला फंक्शन मैंने अभी अभी आपको बताया, डाइजेशन प्रोसेस में अच्छे से मिक्स करने के लिए सलाइवा के साथ वो हेल्प करता है. दूसरा फंक्शन क्या है, ताकि हम इजीली उसे स्वेलो कर पाएँ तो फूड पाइप से वो जो है इजीली पास हो पाए, बॉलस में कन्वर्ट करना, सॉफ्ट बनाना, ये भी किसका काम होता है, टंग का काम होता है. तो सलाइवा के साथ मिक्स करना, उसके बाद उसे सॉफ्ट बनाकर स्वेलो करने में भी हेल्प कौन करता है, टंग करती है हमारी. और टंग में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ताकि हम अपने फूड को टेस्ट कर बता पाएँ. कई बार आपको लगता है कि हाँ ये जो फूड हम खा रहे हैं बहुत ज़्यादा स्वीट है या बहुत ज़्यादा बिटर है, यानी कि कड़वा है, खट्टा है, तो ये जो डिफरेंट टेस्ट हम बता पाते हैं वो कैसे बता पाते हैं, क्योंकि हमारी टंग में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो स्वीट है, सावर है, बिटर है, तो ईज़िली हम बता पाते हैं. और अगर हमारी जीभ नहीं होगी, बेसिकली हमारी टंग नहीं होगी, तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे, तो टॉकिंग और स्पीकिंग जो है हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा. 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट जो है हमारी टंग बताती है, हेल्प करती है, वो 4 टाइप्स क्या हैं, स्वीट, सॉल्टी, सावर एंड बिटर. द टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स विच डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड. तो हमें कई बार टेस्ट को डिटेक्ट करना होता है, तो वो टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है, हमारी टंग की टेस्ट बर्ड हेल्प करते हैं. और ये कोई एक या दो टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स जो हैं हमारी टंग पर होते हैं, हमारी जीभ पर होते हैं. तो ध्यान रखना है, अगर हम कहते हैं कई बार बहुत तीखा है, तो ये जो चिली है ना, हमारे टेस्ट बर्ड्स उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, सिर्फ मीठा, आपको मीठा स्वीट, सॉल्टी यानी कि नमकीन, सावर यानी कि खट्टा और बिटर यानी कि कड़वा, सिर्फ ये 4 टेस्ट ही डिटेक्ट कर पाते हैं. तो आप कहाँ पर कौन से टेस्ट बर्ड क्या डिटेक्ट करेंगे, ये हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. राइट, जो आपको टिप पे दिखाई दे रहा है वो स्वीट पार्ट को डिटेक्ट करता है. कॉर्नर्स पे जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये सावर यानी कि खट्टे फूड मटेरियल्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं टेस्ट बर्ड्स. और यहाँ पर ही आपका टिप और साइड्स में थोड़ा बहुत होता है टेस्ट बर्ड्स, जो सॉल्टी यानी कि सॉल्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. और एकदम बैक में क्या होता है, बिटर यानी कि जो कड़वे होते हैं फूड मटेरियल्स, उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. तो कई बार जब भी आप मेडिसिन कंज्यूम करते हो तो आप मुंह में पूरा डालते हो उस मेडिसिन को और तब कंज्यूम करते हो, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए. मेडिसिन जो होती हैं ऑलरेडी बिटर होती हैं, टेस्ट में कड़वी होती है, और आप उस मेडिसिन को जो है कड़वे पार्ट पर ही रखते हो तो आपको और ज़्यादा कड़वा लगता है. इसलिए जब भी मेडिसिन कंज्यूम करते हैं तो हमें कहाँ रखना चाहिए, मेडिसिन को टिप पर रखना चाहिए, ताकि वो हमें कड़वे की बजाय मीठी लगे, इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं लगे. तो बेसिकली ये थे हमारे कुछ फंक्शन टंग के. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच.